हिंदुस्तान विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। शनिवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत की खुशी में जबलपुर शहर के मालवीय चौक, रसल चौक, मंडी, मदार टेकरी, आधारताल एवं विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल लगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर आतिशबाजी के साथ पटाखे जलाते हुए शहरवासियों के साथ जश्न मनाया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष एवं महापौर ने कहा कि यह असत्य पर सत्य की जीत है। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत होगी और हमारी सरकार बनेगी। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। बोलिए बजरंग बली की जय। कर्नाटक में शनिवार के दिन भगवान श्री राम के भक्त प्रभु हनुमान जी ने हम सबको शनिवार के दिन यह प्रसाद दिया है कर्नाटक की जीत का। हम अपने इष्ट देव हनुमान जी और भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। यही असत्य के ऊपर सत्य की जीत है, यही अन्याय के ऊपर न्याय की जीत है। ये जो शासन करने लोग आते हैं सत्ता में, उनके ऊपर सेवा करने वालों की जीत है। और ये जीत की शुरुआत है, विश्वास मानिए कर्नाटक से शुरुआत हुई है। ये दिल्ली तक 2024 तक जाएगी। मध्य प्रदेश में 2023 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। 18 वर्ष जो लोग मध्य प्रदेश के परेशान हुए, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे इनका हर तरीके का कुशासन हो, इसके ऊपर फिर आम जनता मध्य प्रदेश की भी कांग्रेस को जीत दिलाएगी। और एक सुखद वातावरण, एक अच्छी योजनाओं का वातावरण, एक अच्छे नए मध्य प्रदेश का वातावरण बनेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी। आज कर्नाटक के अंदर जो जीत हुई है वो बहुत बड़ी जीत है। हम तमाम कर्नाटक के वासियों को, वहाँ की जनता को मुबारकबाद देते हैं कि आज उन्होंने एक चुनाव किया देश के साथ, गरीब मजदूर किसान गरीब को, गरीबों के साथ उन्होंने जो निर्णय लिया वो पूरा भारतवर्ष ने देखा। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन तमाम मीडिया कर्मियों को, मीडिया के लोगों को जो कर्नाटक के चुनाव को प्रेरित कर रहे थे, 3 महीने से कर रहे थे। आज बहुत खुशी तोड़ी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हम भाई भाई हैं, आपस में इस देश में भाईचारा बना रहे। और हमारी यही दुआ है कि जैसे आज भाईचारा बना है, चुनाव सम्पन्न हुआ, मगर अपना अखलाक भाईचारा खत्म ना हो। अपनों को ऐसी समाज से